एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी लेसन वन द स्विंग। आज हम लेसन वन द स्विंग मीन्स एक झूले का अध्ययन करेंगे। दिस पोयम इज कंपोज बाय फेमस इंग्लिश पोएट आरएल स्टीवेंसन। ये पोयम अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि आरएल स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन सीन फ्रॉम द स्विंग। इस कविता में लेखक ने यह वर्णन किया है कि एक झूले से हमें कोई नज़ारा कैसा दिखाई देता है। नाउ वी विल रीड पोयम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। आप एक झूले में कैसे जाना पसंद करते हैं? हवा में इतना नीला, ओ मुझे लगता है कि यह सबसे सुखद बात है कभी कोई बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड। हवा में और दीवार के ऊपर जब तक मैं इतना व्यापक देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। नदी और पेड़ और मवेशी और सभी ग्रामीण इलाकों में। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। जब तक मैं बगीचे को हरा नहीं देखूंगा, छत पर नीचे इतना भूरा। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। हवा में मैं फिर से उड़ने जा रहा हूँ, और ऊपर और नीचे हवा में। पोएट इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि मैं हवा में इतना ऊंचा जाना चाहता हूँ कि मुझे नीला दिखाई देने लगे, लेकिन ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। मैं इतना ऊंचा जाना चाहता हूँ हवा में कि मुझे दीवार से भी ऊंचा दिखाई दे, और मैं सब कुछ बहुत ही व्यापक रूप में देख सकूं। नदियों, पेड़ों, जानवरों, मवेशियों और ग्रामीण इलाकों में दूर तक मैं देख सकूं। मैं मैदानों को हरा भरा देख सकूं और पहाड़ों की छतों को भूरा देख सकूं, भूरा भूरा देख सकूं। मैं फिर से हवा में एक बार फिर से ऊंचा और नीचे जाना चाहता हूँ।